दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय जोगता अकेडमी चंडीगढ़। अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस के अवसर पर नाहन के चौगान में आबकारी एवं कराधान विभाग की ओर से नो टू ड्रग्स अभियान के तहत लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करने के लिए मैराथन का आयोजन किया गया। इस मैराथन में 150 बच्चों सहित जिला के अधिकारी व कर्मचारी भी शामिल हुए। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि उपायुक्त सिरमौर ने शिरकत करते हुए बताया कि पांवटा साहिब में जल्द ही जिला रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से नशा निवारण केंद्र खोला जाएगा, जिससे जिला के ऐसे युवा जो नशे की गिरफ्त में हैं, उन्हें इस लत से छुटकारा दिलाकर मुख्य धारा से जोड़ा जा सकेगा। उन्होंने बताया कि इस अभियान के दौरान जिला की सभी पंचायतों में खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। सेवन नहीं करेंगे। हम प्रत्येक व्यक्ति विशेष करते हुए नशीली दवाओं के दुष्प्रभावों के संबंध में जागरूकता पैदा करेंगे ताकि भारत का युवा वर्ग नशा मुक्त जीवन यापन। इंटरनेशनल ड्रग डे के उपलक्ष्य में लोगों में ड्रग के बारे में, नशा छोड़ने के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए नाहन में चौगान में एक मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग जो है वो 150 प्रतियोगी बच्चों ने जो भाग लिया है और साथ में जो इसमें अधिकारी और यहाँ की गणमान्य व्यक्ति हैं उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हमारा समाज है, हमारा युवा वर्ग है, वो नशे से मुक्त हो। साथ में जो लोग इस कारोबार में जुड़े हैं उनको भी जो मुख्य धारा में शामिल किया जाए। सरकार की बहुत अच्छी स्कीम ऐसी चली है कि जो लीगलाइज्ड कोई व्यवसाय इसमें कर सकते हैं, लेकिन जब तक वो लोग इस प्रोफेशन को नहीं छोड़ेंगे तब तक समाज से नशा छुड़ाना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन युवाओं को एक सही दिशा देना, युवाओं को खेलों में डालना और उनकी एनर्जी को चैनलाइज करना आज के लिए बहुत बड़ी एक चुनौती भी है। और मैं समझ रहा हूँ कि अब युवा जो है जागृत हो रहा है और इस बात को समझ रहा है कि हमारा जो है देश के लिए कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और अगर हम सही रास्ते में चलेंगे, सही डायरेक्शन दिशा में हम चलेंगे, अवश्य ही हमारा जो देश है और समाज है और परिवार जो है वो आगे बढ़ेगा और एक खुशहाल भारत की जो हम कल्पना करते हैं उसकी दिशा में हमारा एक बहुत बड़ा एक कदम होगा। तो आज मैं सभी जो मतदा समाजवासी हैं उनसे ही आग्रह करना चाहूँगा कि आप आसपास जो है नशा को मुक्त होने का, नशा छोड़ने का जो एक कैंपेन चल रहा है उसमें शामिल हैं। और ये कैंपेन जो है सारा महीना के एक महीने से भी ज़्यादा जो है 45 डेज जिला सरकार में चलेगा। पंचायत लेवल से इसको स्टार्ट किया गया है, पंचायतों में भी खेलों के आयोजन किया जाएगा। पंचायत में सिर्फ पंचायत के जो लोग हैं वहाँ के युवा जो है वही पार्टिसिपेट करेगा, उसके बाद ब्लॉक लेवल पर टूर्नामेंट होंगे, फिर जिला स्तर के जो टूर्नामेंट होंगे और सभी जो खिलाड़ी होंगे उनको जो है वो 15 अगस्त के शुभ दिवस पर उनको सम्मानित किया जाएगा। तो मेरी आपके माध्यम से सभी युवाओं से यही अनुरोध है कि नशे को भगाने के लिए जो है अवेयरनेस क्रिएट करने में अपना पूर्ण योगदान है, और जो युवा इस रास्ते में चले हैं उनको छुड़ाने का, उनको सही मार्गदर्शन करने का जरूर प्रयास करें। हमारा जो एक हेल्पलाइन नंबर भी हम यहाँ पर जारी कर रहे हैं और उसमें जो है वो कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी परिवार में ऐसी समस्या चली है तो उसको डिस्कस कर सकते हैं, उनको छुड़ाने का जो है उस नशे से मुक्त कराने के लिए हम भरपूर प्रयास जिला प्रशासन करेगा ताकि जो युवा है वो सही रास्ते पर चले। सिरमौर के माध्यम से भी प्रयास किया जा रहा है कि जल्दी हम एक नशा निवारण केंद्र जो है रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से हमारा पांवटा में कार्य चल रहा है उसको जल्दी ही हम समाप्त करें, उसको भी ऑपरेशनलाइज करें ताकि जो हमारे युवा नशा मुक्त होने के बाहर जाना पड़ता है उनको ये सुविधा जिला में। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए नाहन से सूरत पुंडीर की रिपोर्ट।